हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। सो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पैरासीटामोल। सही है। अब देखो भाई, पैरासीटामोल की अगर बात की जाए, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी होती है पैरासीटामोल की। तो हम लोग पैरासीटामोल के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई पैरासीटामोल जो होता है वो बनता कैसे है या इसकी एनालिसिस कैसे होती है। तो बहुत प्यारा टॉपिक है भाई, एनालिसिस ऑफ पैरासीटामोल। ओके, तो हम लोग जब डिस्कनेक्शन देखते हैं भाई, ये बेसिकली एमएससी फाइनल का टॉपिक होता है। जब हम लोग डिस्कनेक्शन देखते हैं तो डिस्कनेक्शन में ये एग्जामिनेशन में सवाल बनता है कि पैरासीटामोल के बारे में आपको क्या क्या पता है या इसका डिस्कनेक्शन आप लोग बताइए। तो सबसे पहले साथियों, आप लोगों को पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। सही है, चलो इधर देखना प्यारे विद्यार्थियों। पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर ये होती है कि एक बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है और इसके अलावा यहाँ पे NH ग्रुप होता है और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये वाला ग्रुप होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो साथियों, पैरासीटामोल बोलते हो। दिस इज पैरासीटामोल। सही है, चलो अब मुझे इस पैरासीटामोल को डिसकनेक्ट करवाना है, डिसकनेक्ट करवा के तोड़ना है। तो आप लोग बेसिकली डिस्कनेक्शन में क्या डिस्कस करते हो कि जो आपका ये मॉलिक्यूल होता है इसे हम लोग बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल। और टारगेट मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिसकी डिस्कनेक्शन हमें करवाना होता है। देखो, टारगेट मॉलिक्यूल को इस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं, इस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं कि आप लोगों के सामने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल बन जाए। तो आपको पता है, देखो यहाँ पे अमाइड ग्रुप सा नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिसकनेक्शन करवाऊँगा। डिसकनेक्शन कैसे करवाते, माना मैं यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा दिया, मैंने क्या करवा दिया, सी एंड डिसकनेक्शन करवा दिया। सही है, देखो ये अपोजिट रिएक्शन क्या बनेगी, अमाइड, क्योंकि आप लोग जो इधर स्पीसीज बनेगी उससे क्या बनाओगे, अमाइड ही तो बनाओगे। इधर जो स्पीसीज बनेगी उससे क्या बनाओगे, अमाइड ही बनाओगे। जरा देखने की कोशिश करना, क्या बनाओगे, अमाइड बनाओगे। सही है, चलो देखो इधर देखना भाई, अब क्या करना है, जैसे ही आपने ये डिस्कनेक्शन करवा दिया तो यहां से क्या बना, ये बेंजीन रिंग आपकी है, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या बना, NH नेगेटिव। सही बात है, और यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH3 है और यहाँ बना पॉजिटिव। जब किसी टारगेट मॉलिक्यूल को आप डिस्कनेक्ट करवाते हो तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है उनको हम लोग कहते हैं सिंथोन्स। क्या बोलते बेटा जी, सिंथोन कहा जाता है। ये भी क्या बन गया, सिंथोन, और ये भी क्या बन गया भाई, सिंथोन बन गया। सही, सिंथोन्स एक प्रकार के आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट आयन होते हैं, जैसे कि आपने डिस्कनेक्शन पढ़ा होगा। फिर हम लोग इनके क्या लिखते हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखते हैं। इसका भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखेंगे और इसका भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट लिखेंगे। साथियों, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, NH नेगेटिव के पास में एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ से NH2 बन जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, OH बनेगा। सही है, ये तो पहले से मौजूद है। और यहाँ पे साथियों क्या बनेगा, देखना बेटा जी, इसको एक बार मैं रफ करता हूँ, देखना एक बार इधर, यहाँ पे क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे कुछ लिविंग ग्रुप लग जाएगा। ऑपोजिट ये दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, इस अमाइड की फॉर्मेशन होगी। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ये वाली स्पीसीज बनी है इसको मैं आगे में डिस्कनेक्शन करवाने की कोशिश करता हूँ। देखना जी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आगे और कन्वर्ट करवा सको। देखो, देखना भाई, एक बार मैं आपको और बता दूँ, छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूँ। देखो भाई, ये छोटी छोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब देखना बेटा जी, यहाँ से मैं ये वाला ले लूँ, इधर देखना, चलो ये वाला लेते हैं हम लोग। देखो आगे जो ये वाली स्पीसीज बनी है, ये वाली स्पीसीज बनी है, इसको और मैं आगे डिस्कनेक्ट करवा सकता हूँ। हम लोग आगे करवा देंगे FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक है, ये बेसिकली MSc फाइनल का लेक्चर है, जो BSc वाले लेक्चर उनको समझ में नहीं आएगा। तो इस NH2 को मैं कन्वर्ट करवा दिया NO2 के अंदर। FGI का मतलब होता है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में चेंज करवाना, मैंने चेंज करवा दिया NO2 के अंदर और यहाँ पर लगा हुआ है OH।
अब मुझे इस NO2 से ये NH2 बनाना है, तो आप लोग क्या करवा दोगे, इसका रिडक्शन करवा दोगे, यस और नॉट? अभी भी आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल नहीं बना है। फिर जो ये यहां से स्पीसीज बनी है, इसको मैं क्या करता हूं, आगे करवाता हूं CN डिस्कनेक्शन, तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो साथियों, जो पेरासीटामोल होता है वो बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, फिनोल से बना होता है। उसमें स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कौन होता है बेटा जी, फिनोल होता है, यस और नॉट? ऑपोजिट रिएक्शन क्या करोगे, नाइट्रेशन करोगे, समझ पा रहे हो? तो ये जो आपने डिस्कनेक्शन देखा है, ये डिस्कनेक्शन होता है पेरासीटामोल का, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएससी फाइनल वाले बच्चों को प्लीज ये लेक्चर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सही है? तो ये होती है एनालिसिस ऑफ पेरासीटामोल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू।